नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो बलात्कार और हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम से लेकर केस दर्ज करने के समय और पूरे क्रम पर सवाल उठाए। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के खिलाफ नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी प्रदर्शन कर रहे थे। वो हड़ताल पर 11 दिन से थे और आज सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद उन्होंने 11वें दिन हड़ताल खत्म कर दी। बिहार सरकार के पूर्व काबीना मंत्री श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। श्याम रजक 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले JDU छोड़कर RJD में शामिल हुए थे। हालांकि एक बार फिर उनके नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। श्याम रजक ने अपने इस्तीफे में शतरंज और मोहरों का जिक्र करते हुए एक गहरा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं शतरंज का एक्सपर्ट खिलाड़ी नहीं था, इसलिए धोखा खाया। उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए लिखा कि आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में चल रहा है। आज इसका समापन है। इस अधिवेशन में पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का अधिवेशन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में BJP को टेंशन दे सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि राजभर की पार्टी महाराष्ट्र में भी अपनी दखल देगी और चुनाव लड़ सकती है। इसीलिए मुंबई में ये राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। बता दें, अगर सुभाषपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारती है तो ये BJP के लिए टेंशन हो सकती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि यहाँ सुभाषपा अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आज कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। वो SEBI चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की JPC जांच की मांग कर रही है। इस रिपोर्ट में SEBI चीफ पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने 3 प्रमुख सवाल किए थे, जिनमें पहला था कि माधवी बुच ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, दूसरा सवाल अगर निवेशकों का पैसा डूबा तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, और तीसरा सवाल कि SEBI चेयरपर्सन पर लगे इतने गंभीर आरोपों के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेगा। हालांकि कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन मीडिया में सुर्खियां नहीं बटोर पाया या कवर नहीं किया गया, लेकिन खबरों में गायब है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। राहुल गांधी चुनाव को लेकर एक्शन में हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द मिटाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। गठबंधन को लेकर राहुल ने कहा कि हम गठबंधन करेंगे, लेकिन अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले PM मोदी सीना फुलाकर चलते थे, लेकिन अब नीचे करके चल रहे हैं। ये हार कांग्रेस की विचारधारा इंडिया गठबंधन के साथियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने PM मोदी को झूठों का सरदार कहा और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जम्मू कश्मीर की PDP ने बुधवार को दिए अपने एक बयान में कहा कि चुनावों से पहले गठबंधन पर कांग्रेस के साथ बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। PDP ने राहुल गांधी को एक प्रभावशाली नेता बताया है जो कि कश्मीर के मुद्दे को उठा सकते हैं। बता दें, राहुल गांधी इन दिनों कश्मीर दौरे पर मौजूद हैं। मणिपुर में हिंसा जारी है। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप आया जो मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह का बताया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर उनका क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा है। वो मैथिली समुदाय को खुला समर्थन करने की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी से बचाने की बात कर रहे हैं। बताते हैं कि शाह ने बम फेंकने से मना किया है, लेकिन आप चुपके से बम फेंकिए और निर्वस्त्र महिलाएं घुमाई गई और उनके साथ बलात्कार होने पर कहते हैं कि मैथिली समुदाय को रिवॉर्ड देना चाहिए, उन्होंने तो जान बचाई। ऐसी ही कई बातें कहते हैं, जिससे साफ हो गया कि कथित तौर पर वो ही हिंसा में शामिल थे। इसके बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपनों का ही विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है। BJP के 7 विधायकों ने ही CM बीरेन के खिलाफ जांच शुरू करने की बात कर दी है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बुधवार को पार्टी नेतृत्व को उस समय अजीब स्थिति में डाल दिया जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य इकाई के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। इस दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि उनकी समझ के अनुसार सरकार और पार्टी संगठन के बीच कोई सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्नाव से सांसद ने कहा, मुझे लगता है कि सत्ता में और संगठन में सम्मान साझेदारी नहीं है। दोनों मुखिया आगे बैठे हैं, आगे इसका ध्यान रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी।
बता दें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में कहर चल रही है, कई लोग सलाह दे रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि अगर स्कूल सुरक्षित जगह नहीं है तो शिक्षक के अधिकार और ऐसी चीजों के बारे में बोलने का क्या मतलब है, यहाँ तक कि 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, ये क्या हालात हैं, ये बेहद चौंकाने वाला है। वहीं एजी सराफ ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और SIT कोई कसर नहीं छोड़ेगी और मामले को तेजी से आगे बढ़ाएगी। बेंच याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार 27 अगस्त को करेगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस में TMC सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की एक और प्रतिक्रिया सामने आई। अभिषेक बनर्जी पर ऐसे आरोप लग रहे थे कि वो इस मामले में मुखर नहीं थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में से जब देश भर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मामले में विरोध के साथ इंसाफ की मांग हो रही है, तब अलग अलग हिस्सों में 900 रेप की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें अधिकतम समय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। अभिषेक के मुताबिक दुख के साथ इनके समाधानों पर अभी तक व्यापक चर्चा नहीं हो पाई है। रोजाना 90 रेप, हर घंटे 4 और हर 15 मिनट पर 1 रेप केस सामने आता है, यानी साफ है कि तत्काल ही सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है। अभिषेक ने मांग करते हुए कहा कि हमें सख्त कानून जरूरत है जिससे कि ट्रायल और दोष निर्धारण 50 दिनों में ही किया जा सके, साथ ही सख्त सजा दी जा सके, न कि केवल झूठे वादे किए जाएं। बांग्लादेश में आई बाढ़ के पीछे कई बांग्लादेशी संगठन भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन संगठनों का दावा था कि त्रिपुरा के दमपुर जल विद्युत परियोजना के बांध को खोल दिया गया, इस कारण बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। हालांकि अब भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर यह चिंता जताई गई है, ये त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने दमपुर बांध को खोलने से पैदा हुई है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गुमती नदी के तटीय इलाकों में इस साल भारी बारिश हुई है। भारत का कहना है कि बांग्लादेश में बाढ़ इन इलाकों से नीचे की ओर जाने वाले पानी की वजह से आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि त्रिपुरा दमपुर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटी ऊंचाई वाला बांध है जो बांग्लादेश को भी 40 मेगावाट की बिजली सप्लाई करता है। भारत के प्रधानमंत्री अब मोदी अपने यूक्रेन दौरे से पहले पोलैंड पहुंचे। पीएम मोदी ने बुधवार को पोलैंड की राजधानी वर्सावा में भारतीयों को संबोधित किया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, हम युद्ध पर नहीं शांति पर विश्वास करते हैं, भारत इस क्षेत्र में भी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। उन्होंने कहा कि भारत का मत साफ है कि ये युद्ध का युग नहीं, ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं, इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने कहा है कि IDF यानी इजरायली सेना नॉर्थ में पहले से ही हिजबुल्ला से हार चुकी है। कैरजरीन पर लेबनानी हिजबुल्ला के हमलों पर बोलते हुए विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा कि इजरायल सरकार ने नॉर्थ खो दिया है। बता दें हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने बुधवार को कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स की ओर लेबनान से दागे गए लगभग 50 रॉकेटों को पता लगाने की सूचना दी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने कुछ रॉकेटों को रोक दिया जबकि अन्य इजरायली शहर के पास जाकर गिरे। बता दें हिजबुल्ला ने शहरों पर हमले किए, इसके अलावा इजरायल के मिलिट्री बेस पर भी हमला किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार मिडिल ईस्ट को अपना बनाने में लगे हुए हैं। वो कभी फिलिस्तीन के नेताओं से मिलते हैं, कभी ईरान को समर्थन देते हैं और अब उन्होंने चेचन्या का दौरा किया है जो मुख्य रूप से वीडियो में कुरान को चूमते और इस्लामी पवित्र पुस्तक के साथ कैमरों के सामने पोज देते हुए देखा गया है। पुतिन का कुरान के प्रति सम्मान दिखाना भी एक महत्वपूर्ण सांकेतिक कदम माना जा रहा है जो इस्लामी समुदाय के साथ उनके संबंधों को और मजबूत कर सकता है। पुतिन का यह कदम इजराइल के खिलाफ चल रहे गुस्से के बीच आया है। वो अरब देशों को अमेरिका से अलग कर खुद का बनाने की कोशिश में है, हालांकि कुछ मिडिल ईस्ट के देश पाला बदल भी रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से गजा में युद्ध विराम और बंदूकों की रिहाई के लिए समझौते के लिए जल्दी बातचीत करने पर जोर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हमास के साथ समझौते की राह में बची रह गई अड़चनों को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया है।